चोट लगे भले नौ सौ के ऊपर की पिंगो। हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू बेस लीला। तो एबल्डन की मास्टर क्लास लेकर आए हम, बहुत ही सेक्सी होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो, स्टेप बाय स्टेप तो पूरी देखना और हम मिलते हैं वीडियो में। तो भाई अब आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है एबल्डन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी डॉ है और उतना ही पावरफुल भी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और जैसे ही आप एबल्डन खोलोगे आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। हल्का फुल्का अगर अलग दिख रहा है तो टेंशन मत लेना। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है इस मास्टर क्लास में, जल्दी से जल्दी एक गाना बनाने की कोशिश करनी है। तो जो भी फालतू की चीजें अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब फालतू तो कुछ नहीं है बट जो भी रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। तो जल्दी से इस मास्टर क्लास को फॉलो करो और आप अपना पहला गाना बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे जाना है और टैब बटन हिट करना है। टैब बटन हिट करते ही आप आ जाओगे एक नए व्यू, नए विंडो जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट व्यू। और अरेंजमेंट व्यू जैसे इसका नाम है, यहीं पे आप गाना अरेंज करते हो, यहीं पे आप जो देखते हो लोग स्टूडियो में गाने बना रहे हैं सब कुछ हो रहा है वो इसी व्यू के अंदर होता है। और इसका दूसरा तरीका है आने और सेशन व्यू और अरेंजमेंट व्यू के अंदर बीच में आने जाने का, वो है ये बटन। तो इस बटन से भी आप अरेंजमेंट व्यू में आ सकते हो। अब जल्दी से क्या करते हैं, इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं उसको और इजी करने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए उनको बंद कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो विंडोज हैं उसको अभी क्लोज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे ये छोटे छोटे दो तीन एरोस, इन एरोस को हम कर देंगे बंद। यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद। तो अब ये भी हमने कर दिया। अब जल्दी से आप देखोगे यहाँ पे मिडी मिडी ऑडियो ऑडियो ये सब बने हैं, तो हम एक ऑडियो ट्रैक रखते हैं और बाकी को डिलीट कर देते हैं। और ये हम कर रहे हैं राइट क्लिक करके और डिलीट बटन दबा। बट आप देखोगे लास्ट वाला हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एबल्टन की एक डिफॉल्ट सेटिंग है, या तो कोई ऑडियो या तो कोई एक मिडी ट्रैक आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एक ट्रैक मतलब मिनिमम रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब जो हमने ट्रायंगल वाले बटन से हमने अपनी चीजें बंद करी थी, वो विंडो छोटी छोटी बंद करी थी, एक एक करके उनको खोलते हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे ये वाली विंडो। ये कहाँ पे आपके लेफ्ट बॉटम पे एक इन्फो व्यू होता है। इन्फो व्यू क्या करता है, जैसे इसका नाम है ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाऊंगा प्ले बटन पे, मैं पॉज बटन पे, तो देखो ये बता रहा है प्ले बटन। मैंने बोला प्ले बटन पे लेके गया, तो देखो मैंने माउस रखा और वो बता रहा है प्ले बटन। मैं माउस लेके गया यहाँ पे, ये बता रहा है मेट्रोनोम। तो ऐसे सारे बटन्स का और सारे छोटी छोटी चीजों का एक छोटा सा आपको फंक्शन बता देता है। बेसिकली अगर आपको कोई भी नॉब समझ नहीं आ रही तो आपको एक छोटा सा ब्रीफ मिल जाएगा वहीं पे ही। अब हम खोलते हैं अपनी लेफ्ट साइड में ही ऊपर वाली नॉब और ये होता है आपका ब्राउजर सेक्शन। जैसे आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो ना कोई भी गाना, ऐसे आप यहाँ पे अपने सैंपल सर्च करते हो या कोई भी साउंड सर्च करते हो, प्लग इन सर्च करते हो, इंस्ट्रूमेंट सर्च करते हो, सब होता है यहाँ पे ब्राउजर सेक्शन। बेसिकली आपका माई कंप्यूटर है जिसके थ्रू आप मल्टीपल फाइल एक्सेस कर सकते हो अपनी ड्राइव्स में से। अब इसको भी करते हैं फिलहाल के लिए फिर से बंद, इसको भी करते हैं बंद। और यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है ये अभी एक तरीके से आपका मिक्सर और इंस्ट्रूमेंट डालने वाली जगह है, इस पे हम आएंगे थोड़ी सी देर में आगे। तो ये तीन विंडो होती है छोटी सी, इनको आपको पता होना चाहिए और अब आपको समझ आई है। तो इन्फो व्यू स्टार्टिंग के लिए खुला रखो क्योंकि आप जहाँ भी बटन रखोगे आपको नाम पता चलता रहेगा उसका। और अब वापस से अपना ब्राउजर विंडो खोलते हैं और अब क्या करेंगे, अब जल्दी से हम करते हैं सैंपल पैक लोड और बनाते एक बढ़िया सी बीट, हिप हॉप बीट। तो ऐड फोल्डर करेंगे और जैसे कि हम जाएंगे अपने डाउनलोड में, हमने डाउनलोड करके रखी है साइमेटिक कोबरा हिप हॉप सैंपल पैक, फ्री सैंपल पैक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लो। तो हमने करा सिलेक्ट फोल्डर और ये हमारा फोल्डर आ गया यहाँ पे। एक चीज़ याद रखना, अगर आपका सैम्पल गलती से भी zip फाइल या rar फाइल के अंदर है तो एबल्टन उसे खोलेगा नहीं, तो पहले उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो गाइज अब सैंपल पैक लोड हो चुका है और आप देखोगे जैसे ही हमने ऐड फोल्डर पे यहाँ करा था तो सैंपल पैक तो आ गया यहाँ पे, पर अब क्या हो रहा है इसको सुन के देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे अब देखो हमें लिटरली आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, और हो सकता है आपके केस में आपको आवाज़ आ रही हो, बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि आपके कंप्यूटर में आवाज़ ही नहीं आ रही आपको हेडफोन्स में, तो अब कैसे फिगर आउट। तो अब इसको फिगर आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और देखेंगे हमारी ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो गई। तो ऑडियो सेटिंग या फिर प्रेफरेंसेज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल कॉमा, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड कॉमा। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टैब हैं लेकिन हमारे को दिक्कत क्या हो रही है अभी ऑडियो की, तो हम ऑडियो में जाएंगे और अभी क्या हो रखा है फोकस राइट एक इंटरफेस है वो सिलेक्ट हो रखा है लेकिन हम यूज कर रहे हैं ऑडियंट का इंटरफेस। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऑडियंट, पर अब हम प्ले करेंगे लेकिन आपको स्क्रीन पे नहीं आ रही होगी आवाज। क्यों, क्योंकि हमें आ रही है बट अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर से, तो उसके लिए हमने क्या करा है यहाँ पे FL स्टूडियो का एजियो यूज करा है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे अपना ऑडियो इंटरफेस चूज करना है, और अगर आप जस्ट लैपटॉप का डायरेक्ट आउटपुट यूज कर रहे हो
तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक वेबसाइट आ गई होगी एजियो फॉर ऑल करके, ये ड्राइवर यूज करोगे आपको बेस्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे आप एजियो चूज करोगे और यहाँ पे एजियो फॉर ऑल, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसको डाल लेना, काफी पावरफुल है। और अपना कंप्यूटर जब भी डायरेक्ट कनेक्ट करते हो आप, कंप्यूटर या लैपटॉप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो अपने हेडफोन से, तब आपको वो काम है। तो अब सैंपल भी लोड हो गया और ऑडियो की प्रेफरेंसेस भी देख ली, क्या दिक्कत थी वो भी फिक्स कर ली, पर अब जो मेन चीज है वो है बीट बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे ड्रम वन शॉट में और आप देख सकते हो इसमें लूप में और भी चीजें हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको सुन के और अरेंज कर सकते हो। तो अब चलते हैं सबसे पहले किक में और किक सुनते हैं। मुझे ये ठीक लग रही है, मैं डायरेक्टली सी शार्प वाली उठाता हूँ और यहाँ ऐसे ड्रैग कर दी। मैंने क्या करा, ऐसे उठाया और ऐसे ड्रैग कर दिया और क्लिक छोड़ दिया, और क्लिक छोड़ दिया हमने उसके बाद। तो अब मैं देखो देख रहा हूँ, अब जूम कर रहा हूँ, तो जूम मैं कैसे कर रहा हूँ, जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं 4, 5, 6, ये होते हैं आपके बार्स, और नीचे आप इधर देखोगे लेफ्ट साइड में ये होते हैं आपके टाइमिंग। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे जूम करते हैं, और जूम करने के लिए क्या करना है, इधर माउस रखो, देखो मैं माउस जैसे इधर ले जा रहा हूँ, एक जूम का बटन आ रहा है और ऐसे होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। तो अब क्या करेंगे, किक को लेंगे और ऐसे ड्रैग करके फर्स्ट वाले बार पे रख देंगे। तो अब हमने अपनी किक लोड कर दी और स्पेस बार से हम प्ले कर सकते हैं और जूम करने के लिए अगेन यहाँ से जूम कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से अपनी टेम्पो कर देते हैं। अब देखो, अब अब क्या है, हमने गाना तो, हमने किक तो लोड कर दी, लेकिन गाने की स्पीड कितनी होगी ये जज होती है टेम्पो से। तो अब क्या करते हैं, पहले मेट्रोनोम ऑन करते हैं और आप देख सकते हो बेसिकली आप ये साउंड है जो आ रही है और वो जो टेम्पो है उससे हम सेट कर रहे हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी स्पीड कितनी है, और हम मेट्रोनोम को सुन के अंदाजा लगा रहे हैं। तो अब जल्दी से टेम्पो को हम लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं 150। तो 150 हमने सेट कर दी और अब इस पे देखो आप बीट बना दो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो एक बार में आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो जब भी मेट्रोनोम चार बार क्लिक होती है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो हमेशा 1 थोड़ा सा लाउड होता है और तब एक आपका बार कंप्लीट होता है। देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आपका मेट्रोनोम काम करता है और आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हो। तो हमने अब किक डाल दिया और अब जल्दी से स्नेयर भी लोड कर देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जिस नोट की हमने किक ली है उसी नोट की स्नेयर भी देखते हैं अगर है तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है बट अभी इस केस में हम ऐसा करके देखते हैं। तो हमने यार स्नेयर ले ली, अगर आपको नहीं पसंद आ रही आप कोई और स्नेयर भी ले सकते हो। और अब इसको डाल देते हैं हम यहाँ पे 1.3 पे। तो 1.3 का मतलब क्या है कि इस बार के थर्ड ग्रिड पे 1, 2, 3। और अभी जस्ट थोड़ी सी सेकंड में हम ग्रिड को समझते भी हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप पीछे से इसको ऐसे शॉर्ट कर रहा हूँ, इससे क्या है क्लीन दिखेगा सेशन थोड़ा। और अब क्या करेंगे, एक पैटर्न बना के देखते हैं। तो अब क्या करो, आप इतना सा सिलेक्शन करो पूरा, आपको शॉर्टकट दबाना है कंट्रोल डी। पर आप ध्यान रखना, आप गलती से भी अगर इस तरीके से सिलेक्शन करोगे तो ये कहीं और चले जाएगा। हमें चाहिए था कि हर बार के 0.3 पे, 2.3, 3.3, 4.3 पे हमारी स्नेयर जाए। तो अब सुन के देखते हैं। तो अपने स्नेयर इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके करते हैं पेस्ट। तो जब भी आपको कुछ प्ले करना हो ना, जैसे बिगनिंग से अगर प्ले करना, तो पहले वहां पे क्लिक कर दो और फिर स्पेस बार दबाओ तो वहां से प्ले होना शुरू होगा। हमने यहाँ पे क्लिक करा, हमने अगर यहाँ पे क्लिक करा हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्लिक करा है स्पेस बार दबाए यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब आप चाहते हो इसको सुन के देखते हैं और इसको भी डुप्लीकेट करते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, दो बार को पूरा सिलेक्ट करा कंट्रोल डी। तो अब सुन के देखते हैं, किक पे रखा, पर आप देखो ये आगे चला गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक सिलेक्शन करनी है और यहाँ से लूप बटन होता है उसको ऑन कर देना, या फिर आप कंट्रोल एल शॉर्टकट है वो हिट कर, और आप कहीं पे भी सिलेक्शन करो और कर दो कंट्रोल एल, तो यहाँ पे लूप हो गया। तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं। और कंट्रोल एल काफी इजी शॉर्टकट है जो कि आप यूज कर सकते हो और हम भी बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं। और इसको आप बंद कर सकते हो फॉलो बटन को। ये क्या करता है बेसिकली कि आप जब भी जैसे जूम्ड इन हो तो ये आपके जो ब्लैक लाइन है प्ले हेड बोलते हैं इसको, इसको फॉलो करता है। तो हमें अभी इसको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको बंद कर देते हैं और अब हम करते हैं प्ले। मे बी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा किक ऐड कर सकते हैं फ्लो के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो हमारी एक बेसिक अभी एक बीट का पैटर्न बन गया, एक रिदम पैटर्न बन गया है। पर अब क्या करेंगे, हम इसमें एक हाई आर्ट भी लोड करते हैं। तो हम जाएंगे सिंबल्स में,
क्लोज हाई हैट में, तो हम इसको प्ले करेंगे और लोग पूछते सैंपल सिलेक्शन कैसे करनी है, प्ले करो और उसके साथ इसको सुनो। सेकंड भी ठीक लग रही है, फर्स्ट भी अच्छी लग रही है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। और अब क्या करेंगे, देखो आप ये देखो, अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा अगेन कंट्रोल डी से, तो ये गलत जगह पे पड़ रही है। तो हमें क्या करना होता है, जो पीछे से इसको आप इसे बार के पास ले जाओ, स्मूथली क्लीन कर दो इसको। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बीट में बार ग्रेड्स ये सब होते क्या, जो आप इतनी देर से बोल रहे हो कि थर्ड बार पे रखेंगे, इधर रखेंगे, इस पॉइंट थ्री पर रखेंगे, होता क्या? तो आप देखो बेसिकली जब भी हम मेट्रोनोम सुनते हैं और इस वन से टू बार को देखते हैं, तो इसको हम कर देते हैं लूप। तो लूप करने के लिए क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल एल। तो अब हम मेट्रोनोम ऑन करते हैं, सुन के देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। तो जब भी एक बार कंप्लीट होता है तो मेट्रोनोम चार बार बजता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। पर आप देख रहे हो यहाँ पे जो लाइन्स आ रही हैं वो इस टाइम कितनी आ रही हैं, एक बार के अंदर 8। तो ये क्यों हो रहा है कि आप जब भी राइट क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपको कितने बार्स देखने हैं। अगर हम इसे कर देते 1/4 तो ये अब चलेगा जैसे मेट्रोनोम की आवाज़ है, 1 2 3 4। मतलब बेसिकली एक बार के उसने 4 डिवीजन कर दिए, 1/4 है। हाँ, तो अब देखो हर बार के 4 डिवीजन हो रखे हैं, और अगर 1/8 करते हैं तो 8 डिवीजन हो जाएंगे। अब 8 डिवीजन हो गए एक बार में। तो मेट्रोनोम वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हो, आप अपनी हाई हैट को और अंदर जूम कर करके लगा सकते हो। तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी डी डी। अब कई लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि आप हाई हैट को इतनी ज्यादा क्यों लगा रहे हो, और स्नेयर को तो आपने बहुत कम लगाई है, हर थर्ड पे लगाई है, और किक भी काफी कम लगाई है। तो जितने भी ड्रम पैटर्न्स होते हैं ना, अगर आपने कभी भी हिप हॉप ट्रैक सुना हो तो उसमें हाई हैट जो होती है काफी फास्ट बजती है, और किक और स्नेयर एक ग्रूव देते हैं। हाई हैट भी ग्रूव देती है, बट हाई हैट की जनरली स्पीड थोड़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू किक एंड स्नेयर। तो अब हमने हाई हैट लगा दिया, उसको सुन के देखते हैं। और अब आप चाहते हो कि इस वाले पार्ट पे जो अगला बार है उस पर थोड़ी स्लो, तो हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी करा, पर इस बार इधर से डिलीट कर देते हैं एक एक हम अपनी हाई हैट को। तो अब क्या बोलेंगे, हमने हाई हैट लगाई है हर फोर्थ पे, कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ज़्यादा तेज बने होते। तो आप देखोगे अब इसमें हमने 8 टाइम्स लगाई है और यहाँ पे हमने 4 टाइम्स लगाई है, तो ये ज़्यादा स्पीड में बजेगा और वो थोड़ा स्लोली बजेगा। तो बेसिकली है एक ही बार, बट जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, बट टाइम में हो रही है क्योंकि हम ग्रिड को फॉलो कर रहे हैं। और अब क्या करते हैं, सुनते हैं और टेम्पो करते हैं धीरे। तो टेम्पो बेसिकली क्या बता रही है, कि गाना कितना स्लोली बजेगा और कितना फास्ट करना है, वो अब यहाँ से टेम्पो बढ़ा सकते हो। तो अभी कर देते हैं वापस इसको 150। अब आपको वी होप समझ आया होगा कि एक बीट बेसिक बनती कैसे है। अब आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हो जो हमने पूरी ट्रैप बीट कैसे बनती है, लोफाई बीट कैसे बनती है, सारी हमने चैनल पर कवर करी है। पर अभी आपको एबल्टन में किस तरीके से ड्रैग करना था, किस तरीके से सैंपल्स लगाने थे, बीट कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। ऑल राइट गाइस, तो अब तुमने देख लिया कि किस तरीके से बनता है, और एबल्टन कितना स्मार्ट है कि तुम कुछ भी डालते हो, देखो खुद ट्रैक्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये चीज तो हो गई, अपने एक बीट बन गई है बेसिक सी। अब डालते हैं इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट, तभी तो मजा आएगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई फील है इसमें। तो अब क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो प्ले होते हैं मिडी ट्रैक के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे ट्रैक के इस खाली एरिया में, और यहाँ पे बनाएंगे एक मिडी ट्रैक। तो मिडी ट्रैक बनाते ही अब हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंट से, जैसे हमने बोला इंस्ट्रूमेंट लोड होते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, और उनके अंदर ना बहुत सारी साउंड्स होती हैं। जैसे आप एनालॉग में आओगे तो देखो पैड की साउंड, पियानो की साउंड, ये सारी साउंड्स होती हैं, और इनको खेलना है इसके साथ। हाँ, बट अभी कंफ्यूजन हो रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम साउंड्स में जा सकते हैं। हाँ, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कैटेगराइज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें चाहिए पियानो की साउंड ले लेते हैं, तो पियानो में गए, अब देखो यहाँ भी इतने सारे इफेक्ट्स हैं। तो सबसे ईजी और सबसे जो स्मूथ वाला पियानो होता है वो होता है ग्रैंड पियानो। तो एक ग्रैंड पियानो लेते हैं और इसको उठाएंगे। वो देखो देखो ऑडियो ट्रैक पर अगर डाल रहे हैं एक बार, तो देखो क्या एक नीचे एरर आ रहा है रेड कलर से, तो ऑडियो ट्रैक पे सिर्फ ऑडियो क्लिप्स जाएंगी। और अगर हम मिडी ट्रैक पे इसको रखते हैं तो देखो इजीली लोड हो रहा है, माउस क्लिक करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे लोड हो जाएगा। और कंप्यूटर हमारा थोड़ा स्लो हो गया है, घबरा गया। तो अब देखो यहाँ होता है इन्फो व्यू, यहाँ होता है ब्राउजर, और जैसे हमने तुम्हें बताया था यहाँ पे होते हैं तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट लोड। और इंस्ट्रूमेंट लोड होते ही यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, पहले एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, और यहाँ लिखा रहा है ड्रॉप एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट इस पर डाला, अब आ रहा है कि अब तुम इसके ऊपर ऑडियो इफेक्ट डाल सकते हो, या फिर अगर हम ये भी कर सकते हैं कि हम उठा के डायरेक्ट यहाँ डाल दें, और या फिर तुम यहाँ डाल सकते हो। पर ये हमने क्यों नहीं करा था, क्योंकि अगर ये सिलेक्टेड होता तो गलत आ जाएगा, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो एबल्टन में तुम यहाँ भी डाल सकते हो, इस ट्रैक के इधर तुम यहाँ भी डाल सकते हो, या फिर तुम इधर भी डाल सकते हो।
तो अब ये इधर उधर तुम्हें देख अपने माउस को देख लेना, मेरे समझ आ जाएगा. अब उसके बाद अब जल्दी से क्या करना है, हमें बनानी है कॉर्ड्स. बट अब कॉर्ड्स बनेंगी कैसे, हमें उसके लिए पियानो रोल चाहिए होता है. तो इसमें पियानो रोल कैसे आता है कि तुम्हें सिलेक्शन करनी है इसे. तो हम ये दो बार सिलेक्ट कर रहे हैं और शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट M. या कमांड शिफ्ट M अगर आप मैक यूजर हो तो. हाँ, और अगर ये तरीका नहीं यूज करना तो क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करो, राइट क्लिक दबाओ और देखो इंसर्ट एम्प्टी मिडी क्लिप. तो जैसे हमारे FL में बोलते हैं पियानो रोल, इसमें बोलते हैं एम्प्टी मिडी क्लिप, मिडी क्लिप बोलते हैं इसको. तो यहाँ पे क्लिक करा और ये नीचे देखो एक विंडो आ गई. इस विंडो को यहाँ से थोड़ा सा उठा लो ऐसे, और जैसे ही अब उठ गई हमारी, अब देखो नोट्स आ रहे हैं बहुत सारे पियानो के, और अब इनमें कोई साउंड नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही, हेडफोन बटन ऑन करो, यहाँ से आने लग गई. तो कभी भी गाना बनता है वो एक की में बनता है, एक स्केल में बनता है. तो अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं पता तो हमारी एक वर्कशॉप है बहुत मस्ती, जाके उसको देखो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी. बट अगर वर्कशॉप लंबी रख रही है तो सीधा कमेंट करो और बताओ कि एक वीडियो चाहिए म्यूजिक थ्योरी को. और अगर वर्कशॉप लंबी लग रही है तो हमारी एक और वीडियो फिर से आई बटन में आ गई होगी. अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो. तो आप जाएंगे स्केल पे और स्केल चूज कर लेते हैं. लेट्स से सी शार्प हमारा किक थी, तो इसमें भी सी शार्प यूज कर लेते हैं और इसको माइनर यूज कर लेते हैं. मेजर हम ज्यादा हैप्पी आज हैं तो हमने कहा चलो गाना थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं. अब देखो इसमें जैसे मैं नोट लगा रहा हूँ, तो नोट लगाया तो नोट जो है वो इतना लगा जितनी ग्रिड की सेटिंग हो रखी है. पर अब इसको मैं पीछे से लंबा करना पड़ेगा. बट जैसे अगला नोट लगाओगे वो फिर इतना ही छोटा लगेगा. तो अगर कोई एफएल यूजर है ना तो उसको बहुत इरिटेशन हो रही होगी, जहाँ मैंने लास्ट नोट तो इतनी लंबी लगाई, अगली नोट लंबी क्यों नहीं लग रही. तो अगर आप एफएल चला रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अपना ग्रिड साइज ही बढ़ा लो. तो ग्रिड कर लेते हैं अभी वन बार, मतलब चलो हाफ कर लेते हैं. तो हाफ कर दिया. और एक चीज देखो, जब हमने स्केल ऑन करा है तो नोट जो है हाईलाइट हो गए. तो जो हाईलाइट वाले नोट हैं वो स्केल के अंदर आते हैं, और जो जो अनहाइलाइटेड है वो अगर आप डालोगे तो स्केल के बाहर होंगे. तो अगर आप इन हाईलाइटेड नोट्स को यूज करके गाना बनाते हो तो 90% चांस है कि आप बढ़िया ही बना रहे होगे. आपको एक बेसिक सा रूल है, अगर आप इन्हीं नोट्स को यूज करोगे तो आप जो भी बनाओगे वो डिसेंट साउंड करेगा. तो अभी क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे अपनी कॉर्ड लगा लेते हैं. और ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं इनके पीछे थोड़ा सा एक रीजन होता है, और उस रीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाके हमारी वर्कशॉप देखनी पड़ेगी. ये डाल दिया. अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं एंड कर रहे हैं कंट्रोल डी और इसको ले जाते हैं नीचे, उठा के एक साथ ले गए नीचे. और ये वाली देखो स्केल के अंदर नहीं है, इसको स्केल के अंदर डाल देते हैं. और फिर उसके बाद डालते हैं फिर से कंट्रोल डी और चलते हैं 1 2 3 और अब देखो ये वाली बाहर है, इसको अंदर कर देते हैं. और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना तो इसको बस हमें अभी कॉपी कर सकते हो फिलहाल के लिए. बस अभी मेन चीज़ है कि जितने गाने बनाने शुरू करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा धीरे धीरे बल्टन. और अब इसको ले जाते हैं ऊपर ऐसे, और ये ठीक है. इसमें देखो सारे नोट स्केल के अंदर है, सुन के देखते हैं. पर अब क्या है कि ये ना बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो अब क्या करना है, हमें बड़ा करना है अपना लूप. तो सबसे पहले लूप बटन ऑफ करो, सिलेक्शन करो यहाँ से ऐसे ऊपर तक, और फिर करो कंट्रोल डी और इसको भी कर देते हैं फिलहाल के लिए कंट्रोल डी. तो अब क्या हुआ, ये दो बन गए हैं. तो इसको नहीं करते, इसको पीछे से ऐसे लंबा कर देते हैं यहाँ से. पर देखोगे तुम ये लूप हो गया, मतलब यही सेम चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ पे हो गई. और अगर ध्यान से देखोगे ना इसको जूम करके तो यहाँ पे एक लाइन भी बनी आ रही है. अब क्या है, हमें इसको करना है 4 बार का, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बार होते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इसके अंदर जाओ पियानो रोल के अंदर, ऐसे यहाँ पे क्लिक करो पहले और जाके इसकी लेंथ कर दो पहले 4. यहाँ पे गए और इसको लिख दो 4, तो ये अभी हो गई 4 बार की. और अब इस पूरे को सिलेक्ट करो और देखो यहाँ पे एक बटन आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 2, मतलब या तो इसको आप 2 गुना बड़ा या 2 गुना छोटा कर सकते हो. पहले छोटा करते हैं, तो देखो 2 गुना छोटा, सुन के देखते हैं. अब कोई गाने में कॉर्ड जो होती है कभी इतनी तेज नहीं भागती, कॉर्ड जो है वो फीलिंग को बताती है, तो उसको थोड़ा स्लो करते हैं. ये थोड़ा बेटर लग रहा है, सही लग रहा है मतलब. तो ये यूजुअल हम ऐसी बनाते रहते हैं, तो ये बेसिक से हमने कॉर्ड बना लिया. और अब क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाले नोट है हमें उनको सिलेक्ट करना है. बट जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पुराना सिलेक्शन हट जा रहा है. तो शिफ्ट बटन होल्ड करो, पहला सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा, चौथा, जो करना है वो कर लो, और वापस से एक को हटाना है उस पर क्लिक कर दो. और यहाँ पे तो अभी हम सारे नीचे वाले नोट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि इनको रूट नोट्स बोलते हैं, और इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है. तभी म्यूजिक थ्योरी की वर्कशॉप जरूर देखना है ये पूरा देखने के बाद. और इसको ऐसे कंट्रोल बटन दबा के ड्रैग कर देना. तो बेसिकली अगर कार्तिक कंट्रोल बटन नहीं दबाता तो वो वहां से उठ के नीचे आ जाती, पर कंट्रोल होल्ड करने से क्या हुआ, उसकी कॉपी निकल के नीचे आ गई. एक देखो वहां प्लस बटन भी बना रहा है, कंट्रोल होल्ड करा हुआ है और अब कंट्रोल और क्लिक भी छोड़ दिया. तो कंट्रोल आपका हर जगह काम करता है. देखो यहाँ पे कंट्रोल करोगे देखो प्लस का साइन आ रहा बना हुआ, अगर वो नहीं कंट्रोल दबाओगे तो नॉर्मल मूव हो रहा है. तो कंट्रोल क्या करता है, उसकी कॉपी बना के ले जाता है साथ में.
तो अब आपको इधर भी अगर जूम करना है या कम जूम इन जूम आउट करना है तो ऊपर देखो जहाँ बार बने वहाँ पे इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो जूम इन कर सकते हो और ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे माउस को तो आउट आ सकते हो और आप यहाँ से भी वर्टिकली अपना जूम इन जूम आउट कर सकते हो और ये जहाँ पे नोट्स बने हैं देखो वहाँ पे जैसे माउस जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया जूम इन जूम आउट बट इसमें क्या करना है माउस को पकड़ के क्लिक करके लेफ्ट और राइट करना है क्लिक लेफ्ट राइट और यहाँ पे क्लिक अप डाउन अप या डाउन तो ये वी होप आपको इतना समझ आया होगा पियानो इस तरीके से काम करता है या आप यूज भी करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं पर अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो अभी क्या हो रहा है मैं जब भी कोई नोट बना रहा हूँ तो डबल क्लिक करना पड़ रहा था पर आप चाहते हो कि मुझे सिंगल क्लिक करना है तो आप क्या कर सकते हो ऊपर आता है एक पेंसिल टूल यहाँ पे और इसका शॉर्टकट क्या है बी पेंसिल टूल हम बी से ऑन कर सकते हैं और देखो अब सिंगल क्लिक से ही नोट बन जाएंगे या फिर इसको ड्रैग करोगे क्लिक करा और बस ड्रैग कर दिया क्लिक दबाया भी FL यूजर्स हैं उनके लिए बहुत सही है क्योंकि उनको इस चीज की बहुत आदत होती है और कंट्रोल जेड से क्या हो रहा है हम बैक जा रहे हैं और अगर कंट्रोल वाई से आप इसको वापस से रीडू कर सकते हो अगर कोई भी चीज गलत कर दी कंट्रोल जेड कोई भी चीज से गलती से डिलीट हो गई कंट्रोल वाई तो अब हमने इतने एरिया को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल कर दिया और अगर आप में से कोई भी बिगनर बंदा ये सोच रहा है ना कि यार मैं एकदम प्रो लेवल तो बीट नहीं बना पा रहा हूँ अभी तो भाई अगर आप ये बेसिक बनाओगे तभी प्रो लेवल तक पहुंच पाओगे मेन चीज है जैसे हमने कहा कि रोज प्रैक्टिस हाँ वही बस रोज बैठो एबल्टन के साथ या जो भी डॉ यूज करते हो उसके साथ बैठो और रोज एक बीट बनाओ इवेंचुअली आप जब करोगे ट्राई और फिर नेट पे जाओगे आ ही जाएगा तो अब हमें समझ आ गया कि मिडी तो कैसे बनता है लेकिन अब मिडी में बहुत सारी चीजें होती हैं तो अब क्या करेंगे इसको वापस एक और मिडी ट्रैक बनाते हैं और अब की बारी क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं पर कोई और इंस्ट्रूमेंट लोड करते हैं जैसे कि हम चलते हैं गिटार में या गिटार स्ट्रिंग्स में चलते हैं ऐसा अभी फिलहाल के लिए ये वाली ले लेते हैं तो हमने ये क्या करा उठाया ड्रैग कर दिया यहाँ पे इस बारी या फिर यहाँ पे भी डाल सकते थे या यहाँ भी डाल सकते थे और अगर कोई और डालोगे तो पुरानी वाली रिप्लेस हो जाएगी तो कंट्रोल जेड कर देते हैं हमें तो पुरानी वाली चाहिए पर अब हमें क्या करना है हम चाहते हैं कि मैं अपने मिडी कीबोर्ड से इसको प्ले कर सकूँ या कंप्यूटर से प्ले कर सकूँ तो कंप्यूटर से अगर आपको प्ले करना है जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे देखो यहाँ पेंसिल टूल है उसी के साथ एक होता है इन्फो व्यू में देखो कंप्यूटर मिडी कीबोर्ड इसको या तो आप ऐसे या फिर एम बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो तो जैसे ही आपने इसको ऑन करा आपको क्या करना है इधर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग बटन है उसको भी ऑन करना है और अब आप कीबोर्ड पे मैं हिट कर रहा हूँ और देखो जैसे मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे बना रहा है और मैं ये कंप्यूटर के कीबोर्ड से कर रहा हूँ उसके बाद अब अगर मुझे इसको रिकॉर्ड करना है बस रिकॉर्डिंग बटन हिट करना है और सबसे पहले तो हम देखो हमने कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया एक रफ सा तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो कंप्यूटर कीबोर्ड की हेल्प से रिकॉर्डिंग बटन पहले ये वाला ऑन करोगे आप इसको बोलते हैं रिकॉर्ड आर्म रिकॉर्डिंग और फिर हमने करा जो मेन रिकॉर्डिंग वाला होता है उसको ऑन बट अभी हमें ये क्लिप चाहिए नहीं तो हम ऊपर वाली क्लिप को कॉपी करके नीचे डाल देते हैं तो डुप्लीकेट बनाने का शॉर्टकट क्या था कंट्रोल होल्ड करके उसको ड्रैग करके नीचे डाल दो क्लिक करा और अगर आपको देखो अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो पूरी सिलेक्शन कैसे कर पा रहा हूँ जो इसकी जो पट्टी है ये ऊपर जो टॉप है स्ट्रिप है उस स्ट्रिप पे क्लिक करा तो देखो पूरा सिलेक्शन हो गया और कंट्रोल होल्ड करके नीचे ले नीचे ले और अब क्या देखो ये बहुत लाउड है तो हम चाहते हैं इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम बटन होता है और देखो आपको वापस से अपने इन्फो व्यू में देखोगे तो यहाँ पे बता रहा है वॉल्यूम बटन तो ट्रैक वॉल्यूम कम कर लेते हैं पर अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ना एक ऑक्टेव नीचे बजे तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल ए जैसे आप विंडोज में करते हो पूरा कंट्रोल कर लिया या कमांड ए और शिफ्ट डाउन एरो शिफ्ट और डाउन एरो जैसे हमने हिट करा ये नीचे आ गया एक ऑक्टेव ऑलराइट तो अब हमने समझ लिया कि कंप्यूटर मिडी कीबोर्ड कैसे काम करता है बट अगर हमें रियल मिडी कीबोर्ड जैसे अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे इस टाइप के मिडी कीबोर्ड या अपना पियानो कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उसके लिए मिडी केबल कनेक्ट करोगे आप और फिर आप जाओगे कंट्रोल कॉमा अपनी सेटिंग में और अब की बारी आप जाओगे ऑडियो नहीं मिडी सेटिंग में और मिडी सेटिंग में आप देखोगे अभी हमने कैसियो का एक हमारे पास एक मिडी कीबोर्ड पड़ा है हमने उसे कनेक्ट कर दिया यहाँ से तो अगर हमें अनटिक कर देंगे तो ये लाल हो जाएगा इसको हमने टिक कर दिया बुरा मान गया था वो फिर अब आप देखोगे सिग्नल हमें चेक करना है कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप देखो सबसे पहले जब इसको प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है लेकिन अभी हमें मिडी कीबोर्ड की आवाज़ नहीं आ रही क्यों क्योंकि यहाँ पे इन ऑटो और ऑफ होता है तो ऑफ मतलब कि आपका जो कीबोर्ड है उसका इनपुट नहीं आ रहा है तो उसको ऑटो पर डालोगे
तो आवाज आने लग जाएगी। अगर आपका आम रिकॉर्डिंग बंद होगी तो आवाज नहीं आएगी। पर अगर आप इनपुट पे हो तो आपके पूरे टाइम कीबोर्ड से आवाज आती रहेगी, चाहे आम रिकॉर्डिंग बंद क्यों ना हो, चाहे आम रिकॉर्डिंग आप क्यों बंद भी क्यों ना कर दो। अब आप एक चीज करते हैं, इसको रिकॉर्ड भी करके देखते हैं एक बारी। तो ग्रैंड पियानो को लेते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी और इस वाले ट्रैक में कर देते हैं पेस्ट। बढ़िया, क्या बोल रहा है कि ये ऑडियो ट्रैक है तो नहीं कर पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, डिलीट मीडी ट्रैक और अब कर दो पेस्ट। तो अब हमने रिकॉर्ड हम ऑन करा और इसके बाद हमने करा यहाँ से मेन रिकॉर्डिंग ऑन। बाकी चीज़ों को मैं नहीं सुना तो हम यहाँ करेंगे सोलो बटन ऑन। तो अब रिकॉर्डिंग के टाइम हम इसको ऑन करते हैं। तो अब हम जैसे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखो आपको दो चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कलर कुछ अलग सा ही आ रहा है, किसी का डार्क कलर है तो किसी का काफ़ी बिल्कुल ही डल सा कलर है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये होता है वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि जब भी आप कीबोर्ड प्ले करते हो तो आपकी सारी उंगलियाँ या तो एक टाइम पर भी नहीं पड़ती हैं और एक प्रेशर से भी नहीं पड़ती, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो उसको नहीं कर पाता रिकॉर्ड। पर जो आपके मिडी कीबोर्ड होते हैं या पियानो होते हैं उसको ये चीज़ समझ आती है। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे नीचे से तो आपको दिखेगा अभी कि हर एक नोट थोड़ा टाइम में अलग प्ले हुआ है, प्लस उनमें वेलोसिटी का डिफरेंस है। और आप चाहो तो यहाँ से अगर आपको लग रहा है यार मैंने किसी नोट की वेलोसिटी काफी कम रख दी तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। देखो उतनी ब्राइट होती चलेगी और जितना आप नीचे करोगे उतनी डल होगी। तो बेसिकली वेलोसिटी मतलब आप कोई भी नोट को मिडी कीबोर्ड में कितना ज्यादा हार्ड या प्रेशर से हिट करते हो और कितना सॉफ्ट प्रेशर से हिट करते हो। तो आप इसको करते हैं डिलीट। और अगर आप देखो यहाँ पे आएंगे हम वापस तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पियानो में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब भी हम प्ले करते हैं तो हम कभी भी टाइम पे नहीं करते उसको, तो हम इसको ऐसे थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं प्लस इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी छेड़ देते हैं। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, रियलिज्म ऐड करता है बट इसको टाइम लगता करने में। तो अगर आप प्ले करते हो तो आपके लिए चुटकियों का काम है ये सब करना। पर अगर ये प्रोसेस में आपको देरी लग रही है तो क्या कर सकते हो, एक साथ सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेंडमाइज। आप रेंडमाइज जैसे ही हिट करोगे ये देखो ये अपने आप ही वेलोसिटीज को अलग कर देगा। तो आज रेंडमाइज करने से कुछ इस तरीके से इसने इसको चेंज कर दिया और अब ये इस तरीके से साउंड कर रहा है। तो वी होप आपको समझ आया होगा कि एक मिडी में आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू या मिडी कीबोर्ड के थ्रू, प्लस वेलोसिटीज क्या होती हैं, स्केल क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको पता चल गया होगा किस तरीके से मिडी काम करता है और मिडी होता क्या है। तो अब जल्दी से एक और चीज़ देख लेते हैं मिडी में, कि मिडी में आप इसको यहाँ से इस तरीके से क्वांटाइज भी कर सकते हो। और क्वांटाइज करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू और कंट्रोल यू, या फिर आप यहाँ पे आके देख सकते हो क्वांटाइज। तो इससे क्या होता है कि मान लो अगर आप रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ गलती कर देते हो तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके या कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करके क्वांटाइज बटन दबा सकते हो, एकदम वो ग्रिड पे आ जाएगी। तो देखो टाइमिंग पे आ गई एकदम, जो अभी आपको दिख भी रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे गलती कर दी और अब हम इसको सही करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू, और ये देखो वो क्या कर रहा है, उसने उस ग्रिड पे चला गया जो पास वाली ग्रिड के नियरेस्ट था। पर अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ ना जाके यहाँ पे आती तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटाइज सेटिंग में जाना पड़ेगा और इसको हमें चेंज करके करना पड़ेगा 1/4। तो 1/4 मतलब या तो वो इस पे जाएगी या वो इधर आएगी। तो अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और करते हैं कंट्रोल यू, तो देखो पीछे खुद चली गई वहाँ पे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्वांटाइज इधर हो इस बार तक हो, तो आप जितना कम उसको करोगे वैल्यू को क्वांटाइज सेटिंग में वो उतना नियरेस्ट वाले चीज के पास जाएगी। और अगर आप क्वांटाइज सेटिंग में जाके एंड देखोगे तो एंड में देखो जैसे वो क्वांटाइज नहीं है, तो अगर आप क्वांटाइज सेटिंग खोलोगे और एंड पे क्लिक कर दोगे तो एंड के पार्ट्स को भी क्वांटाइज करने लग जाएगा। हाँ, तो अब कंट्रोल यू करते हैं, बट अब क्या हो रहा है, मैंने 1/32 कर रखा है तो वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। हम वापस इसे करते हैं 1/4 कंट्रोल यू, देखो एंड के पार्ट्स को भी उसने क्वांटाइज कर दिया। तो अब हम बात करते हैं हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं अपने डॉ में, जो कि मोस्टली काफ़ी लोगों का डाउट होता है जो कवर्स करते हैं, कि मैं गिटार प्ले करता हूँ एक माइक से मुझे गिटार को रिकॉर्ड करना है और दूसरे माइक से मेरे को अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करना है, तो ये कैसे हो पाएगा डॉ में। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जैसे हमने बात करी थी कि ये ऑडियो ट्रैक के अंदर आएगा, मिडी ट्रैक के अंदर आती है जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप इंस्ट्रूमेंट से या किसी चीज़ से बनाते हो। और अगर आप ऑडियो ट्रैक क्लिक करोगे तो इसमें आप सैंपल जो कि आप देखोगे ये जितने भी सैंपल हैं आप देखो यहाँ क्लिक करके शो इन ब्राउजर जा सकते हो और ये सारे सैंपल देखोगे वेव फाइल में। पर ऑडियो जो होती है वो हमारी वेव MP3 और AIFF और FLAC इन सब फॉर्मेट पे काम करती है, बट मिडी एक अलग फॉर्मेट है जिसमें अलग इंस्ट्रूमेंट की चीज़ें होती हैं। तो हमें रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑडियो ट्रैक बनाना है,
उसके बाद हम वापस से अपनी प्रेफरेंसेस में जाएंगे और ऑडियो सेटिंग में जाएंगे और अब की ओर जाएंगे हार्डवेयर सेटअप में। तो हमने FL स्टूडियो यूज कर रखा है, तो हम यहाँ पे जाके करेंगे कि हमें इनपुट किससे चाहिए। तो अभी हमारा कनेक्टेड है ऑडियंट के इंटरफेस में, हमारा इनपुट कनेक्टेड है, माइक्रोफोन कनेक्टेड है, तो हमने ये ऑन कर लिया। और अब आपको अगर ऑडियो के बेसिक्स नहीं पता तो आप हमारी वर्कशॉप देख सकते हो। प्लस हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपना बफर साइज कर देते हैं कम, रिकॉर्डिंग करते वक्त हम कर देंगे बफर साइज को कम। तो आप अगर कोई और इंटरफेस यूज़ कर रहे हो तो आप देखोगे आपकी लेटेंसी और कम हो सकती है, FL स्टूडियो में इतनी कम नहीं हो पाती है। तो अब देखो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि एक सिग्नल आ रहा है और हमारे फर्स्ट इनपुट के अंदर आ रहा है। जैसे इस इंटरफेस के अंदर दो इनपुट हैं, तो पहले इनपुट के अंदर हमारा माइक लगा हुआ है, तो हम करेंगे इसको ऑफ पे तो हमें आवाज़ आएगी नहीं, ऑटो करते हैं तो हमें रिकॉर्ड आर्म ऑन करना पड़ता है तो हमारी आवाज़ आती है, और इन मतलब पूरे टाइम हमेशा आती रहेगी इसमें आवाज़, चाहे रिकॉर्डिंग ऑन हो या ना हो। तो हम कर देते इसे ऑटो पे, इस ट्रैक को बताते हैं कि हमें ये वाला ट्रैक रिकॉर्ड करना है, इसको बोलते हैं आर्म रिकॉर्डिंग। और अब करते हैं मेन ट्रैक को ऑन करेंगे, और अगर आप देखोगे इन्फो व्यू में जाओगे तो इन्फो व्यू में दिखा भी रहा है F9 जो होता है वो शॉर्टकट होता है रिकॉर्डिंग का, तो इसको ऑन करो, F9 हिट करते हैं और बीट पे ट्राई करते हैं, और मेट्रोनोम हमारा ऑन ही है और ट्राई करते हैं कुछ रिकॉर्ड करने की। और देखो हमारा प्लेहेड कहीं और था तो कहीं और रिकॉर्ड हो गया, तो हमें यहाँ क्लिक करते हैं F9। लिखा पहला गीत ये, लगा थोड़ा हीट ये, फिर करा ऐसे कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब मैंने कुछ भी गा दिया और देखो यार रिकॉर्ड हो गया। लिखा पहला गीत ये, लगा थोड़ा हीट ये, फिर करा, कार्तिक का पहला गीत है, सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो अब आप इसको इस तरीके से अपने और टेक्स हैं तो आप इसको यहीं पे ऑडियो में जाके एक और नया ट्रैक बना सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो कि इसी के ऊपर मैं फिर से गाता हूँ और अब क्या रिकॉर्ड आम, पहले हमें आम रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्लिक करना और F9 हिट करना है। बेसिकली अगर आप आम रिकॉर्डिंग जो राइट साइड में वो ऑन नहीं करते ना, तो डॉक को भी पता नहीं लगेगा कि आपको रिकॉर्डिंग किस ट्रैक पे करनी है, तो मेक श्योर आप वो आम रिकॉर्डिंग ऑन, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे सब ऑडियो ट्रैक पे 1 पे इनपुट जा रहा है, पर हमें बताना पड़ता है कि कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हमें पहले आम रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है। तो अब हम अपने प्लेहेड को यानी को इधर क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग पे और फिर से इसी ट्रैक के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं। लिखा पहला गीत ये, लगा थोड़ा हीट ये, तो अब मैंने जैसे फिर से ये चीज गाई तो अब देखो यहाँ पे ऑडियो नंबर 2 बन गया। और एक और बारी ऐसे में कुछ भी गा देता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमने एक और रिकॉर्ड कर लिया। बट ये लूप है तो आप देखो खुद ही एक और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, तो इसको पीछे से वापस से 3 कर देते हैं। अब क्या हमारे पहले के ट्रैक तो उड़ गए, तो हमें वो वापस लाने तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडियो में जाके यहाँ पे शो टेक लेंस करना पड़ेगा। तो शो टेक लेंस में क्या है, जो भी अब तक हमने रिकॉर्ड करा था वो सब रिकॉर्ड यहाँ पे, देखो ऑडियो 1 2 3 4 और 3 सबसे टॉप पे, तो ये सारी की सारी ऑडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, पेंसिल टूल पे क्लिक करना है और इसको बताना है कि मुझे ये वाला टेक चाहिए, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर दो तो अब ये वाला टेक आ जाएगा, और इस वाले टेक को फिर से इस वाले पे हाईलाइट कर दो, इसको वापस से इसको अनहाइलाइटेड करना है, तो क्या करेंगे इसको पीछे से बंद कर दो, तो हमारा ये वाला टेक आ चुका है, हमें चाहिए ये वाला टेक आ जाए तो हम ये वाला टेक हाईलाइट कर देंगे। या फिर आपको पेंसिल टूल समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, पेंसिल टूल को करो बंद और इस पूरे ट्रैक को उठा के ऊपर डाल दो, तो ऑडियो 3 आ जाएगा, ऑडियो 1 आ जाएगा, ऑडियो 2 आ जाएगा। और कुछ भी गलती हो गई है तो कंट्रोल जेड करेंगे और हमारे ट्रैक वापस आ जाएंगे जितने भी ट्रैक्स हैं। और अगर आपको डिफरेंट ये टेक सुनने भी हो तो आप यहाँ से इनको सोलो करके सिर्फ इसको करके सुन सकते हो, और आप जो भी आपको टेक्स अच्छे लग रहे हैं वो आप एक और ऑडियो ट्रैक में निकाल के डालना चाहते हो वहाँ पे, ऐसे इसी ऑडियो ट्रैक में अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आप चाहते हो वैसे डाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे इस ट्रैक में ये वाला वर्ड अच्छा लग रहा है और जैसे मैं इसको यहाँ से अनहाइलाइट ये कर देता हूँ ऑफ, मुझे इस ट्रैक में ये वर्ड अच्छा लग रहा है लेकिन इस वाले में ये वाला वर्ड अच्छा लग रहा है, तो देखो वो ऊपर हाईलाइट हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्पिंग, कि मुझे कौन से ट्रैक की कौन सा वर्ड अच्छा लगा, जैसे मुझे लिखा अच्छा लगा पहले ट्रैक का बट गीत वाले में मुझे ये वाला वाली चीज इसमें अच्छी लगी, तो हम देखो ये चेंज कर रहा है, तो हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज ऊपर चाहिए, इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्पिंग। हमने 2-3 टेक लिए और उन टेक में से कौन कौन से पार्ट अच्छे लग रहे हैं हम यहाँ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको ट्राई करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। और कई आर्टिस्ट होते हैं रैपर या सिंगर्स, वो नहीं चाहते कि ऐसे चॉप चॉप करके करो, तो एक ही बार में देते एक ही टेक, कईयों को होता है कि मैं मल्टीपल टेक्स लूँ और उसमें से अपने बेस्ट फाइंड आउट करूँ, तो आपको जैसे मर्जी सही लगता है वो कर सकते हो, इसका कोई भी एक सिंगल रूल नहीं है, म्यूजिक में कभी भी कोई भी एक सिंगल रूल नहीं है। तो अब क्या करते हैं, सबको करते हैं फिर से डिलीट और एक और रिकॉर्डिंग करते हैं, पर अब की बार क्या करेंगे, पहले हम अपनी बीट को करते हैं थोड़ा सा लंबा, तो सिलेक्ट करो यहाँ तक कंट्रोल डी और हमने कर दिया डुप्लीकेट,
और एक और कर देते कंट्रोल डी, तो जब देखोगे बीट जो होती है कम से कम लंबी होती है, पर आप चाहते हो जैसे हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ मेरा हुक पार्ट है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पहले इस पूरे को कर लो सिलेक्ट इस तरीके से, और क्या शॉर्टकट दबाओ कंट्रोल एल, तो इससे आपने कर दिया लूप, और ये ऊपर आपका लूप वाल आ गया। इस लूप को हम कर देंगे ऐसे छोटा यहाँ से, और इधर से पीछे से पकड़ के इधर से भी छोटा इस तरीके से, तो अब ये वाला पार्ट प्ले हो रहा है बार बार, पर हमें प्ले नहीं करना है, हमें इसको लूप को कर देना बंद। हमें चाहिए था बस ये वाली जो हमारी ये बार है एरिया, ये जो एरिया ये आ जाए जो ऊपर की लाइन है। अब इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो इसके लूप के पास में एक बटन है पंच इन बटन, और यहाँ पे पंच आउट बटन, यहाँ पे पंच इन बटन है और यहाँ पे पंच आउट बटन, हम इनको ऑन कर देंगे। अब इनका काम क्या होता है, तो अगर आप कभी अकेले में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सोलो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि खुद रिकॉर्डिंग ऑन हो, खुद रिकॉर्डिंग बटन ऑफ हो जाए, तो ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो क्या करो, ऑडियो ट्रैक बनाओ, रिकॉर्ड आर्म ऑन करो, यहाँ पे आप प्ले करो और रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। तो देखो अभी तक रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो रही, बट जैसी वो लाइन आएगी तो वैसे स्विच इन हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 मतलब कुछ भी, मतलब गा रहे हो वो आपने रिकॉर्ड करा 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 और पंच आउट हो गया। तो ये जो सिलेक्शन है ये आपको हेल्प करती है पंच इन पंच आउट। बट अगर आपका लूप बटन ऑन होगा तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए, और अब रिकॉर्ड करते हैं पंच इन पंच आउट के साथ। देखो मैं पीछे कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, पंच इन हुआ, पंच आउट हुआ ही नहीं क्योंकि लूप होता चला गया। और अगर आपको अपनी आवाज सुननी है तो मेक श्योर करो इनपुट मॉनिटरिंग ऑन कर दो, ऑन कर दो, या फिर आप ऑटो पे भी छोड़ सकते हो। अगर आप रैप करते करते अपनी आवाज को सुनना चाहते हो, और अगर आपको रैप करते करते क्या कभी सुननी ही नहीं अपनी आवाज, ऑफ कर दो, ऑफ पे रिकॉर्ड कर लो। तो इनपुट अपनी आवाज सुनने के लिए इसको हम ऑटो कर देते हैं अभी और रिकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 रिकॉर्डिंग हो रही है और स्टार्ट हो गई 1 2, बट लूप ऑन है तो बार बार रिकॉर्डिंग हो रही है, तो लूप बटन को करना पड़ेगा ऑफ। हमें बस ये रेंज चाहिए जो सिलेक्ट करने वाली। अब इसको ऑन करा, और अगर पंच आउट बंद कर देंगे तो अब क्या होगा, पंच इन तो होगा लेकिन आउट नहीं होगा, आपको स्पेस बार से खुद बंद करना पड़ेगा। सेम चीज, पंच इन बंद कर दिया और आउट कर दिया, तो अब क्या होगा नाइन्थ बार पे आपका रिकॉर्ड तो हो जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से होती रहेगी लेकिन नाइन्थ बार पे खुद खत्म हो जाएगी। तो जैसे मैं चाहता हूँ हुक पे रिकॉर्डिंग हो, तो रिकॉर्डिंग तो अभी से ही शुरू हो गई है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जाके, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। बेसिकली ऑटोमेटिक स्विच है ऑन या ऑफ रिकॉर्डिंग, तो देखो कितनी क्लीन रिकॉर्डिंग हो गई इससे। पर अगर आप एक चीज देखोगे, तब से जिस चीज पे हमने बात नहीं करी है, एंड में ना अगर इसको जूम करते हैं, यहाँ एक छोटे छोटे फेड लग जाते हैं। इन फेड्स को क्या होता है, कई बार आपकी किक विक को खराब भी कर सकते हैं। देखो यहाँ फेड लग गए हैं, तो आपको क्या करना होता है, कंट्रोल कॉमा, फिर से प्रेफरेंसेस में आओ और जाओ अपने रिकॉर्ड और वॉर्प सेटिंग में, और यहाँ देखो ऑटो फेड करके एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट फेड्स ऑन क्लिप एजेस, इसको कर दो ऑफ, तो इससे आपके फेड्स नहीं लगेंगे। तो अब देखो जो हमारी क्लिप है उसके एंड में हम जब भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे उसके एंड में फेड्स नहीं होंगे, बट जिन पे लग चुके हैं उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हमें अपनी किक और इसका अगर पंच अच्छे से चाहिए तो ये फेड्स नहीं होने चाहिए, तो हम क्लिक स्पेशली किक्स में से ही हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग होती है, तो हमने भी अभी एबल्टन अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करा था ताकि वो सेम सेटिंग पे हो जाए जैसे आप लोगों का है। तो बात करते हैं कि इसमें थर्ड पार्टी कोई प्लगइन डालनी होती है तो किस तरीके से डलती है, और उस थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज करके फिर हम इस बीट को एक डिसेंट सा कंप्लीट भी कर लेंगे। तो अब सर्च करते हैं कोई फ्री बेसिक प्लगइन कोई भी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पिटफायर। तो अब हमने स्पिटफायर लैब्स खोल लिया और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और ये फ्री प्लगइन है जैसे आप देख सकते हो। तो अभी हमने क्या करा, इस वेबसाइट पे हमने रजिस्टर कर लिया अपनी मेल से, तो आप रजिस्टर कर सकते हो, फ्री प्लगइन है, और ऊपर डाउनलोड्स में आपका exe फाइल आ चुकी है, और अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट वाली प्रोसेस के ऊपर हम एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे ये नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे। तो देखो प्रोग्राम फाइल के अंदर जा रहा है हमारा स्पिटफायर। तो जैसे अभी हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया, तो आपको उसको लॉन्च करना पड़ेगा और उसमें अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अभी हमने अगर अपना ईमेल और पासवर्ड जिससे हमने रजिस्टर करा था वो इसमें ऐड कर दिया, और अब हमें ये लोकेशन जो अभी मांग रहे ये सेट कर देंगे अभी हम। तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल लाइब्रेरीज आ रही है, आप किसी पे भी इंस्टॉल करके क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, सारी फ्री है इसमें। तो गाइज ये हो चुका है इंस्टॉल, और अब जाएंगे हम अपने सेटिंग्स में, अब जाएंगे हम अपनी सी ड्राइव के अंदर।
सी ड्राइव के अंदर जाएंगे हम प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर, उसके अंदर जाएंगे हम VST प्लगइन के अंदर। तो ये देखो ये 32-bit वर्जन है। तो बेसिकली अब हमने क्या करा, अगर आपको ऊपर डायरेक्टरी दिख रही होगी तो हम सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल के अंदर VST में गए और हमें ये फाइल को कॉपी कर लेना है। और अब हम जाएंगे यहाँ पे सी ड्राइव में और एक नया फोल्डर बना देते हैं बाहर, जिसको हम नाम दे देते हैं माई प्लगइन प्लगइन्स। मैं तो नहीं दे रहा, मेरी प्लगइन्स नहीं है, किसी और ने बनाई है, तो माई प्लगइन बोल रहा है। इसमें पेस्ट कर देते हैं सब, पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमें जाना है अपने प्रेफरेंसेस में और अब जाएंगे हम प्लगइन्स। तो अब हमने जो कस्टम फोल्डर, जो हमने वहाँ पे एक फोल्डर बनाया, उसको हम यहाँ से ब्राउज कर दें। तो हमने सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे हमारा वो प्लगइन था और अब इसको एक बार रीस्कैन कर देते हैं जिससे उसको मिल जाए हमने जो भी फाइल डाली है वहाँ पे। तो अब हमें उस प्लगइन को एक्सेस करने के लिए लेफ्ट साइड जो हमारा जो एक्सप्लोरर सेक्शन था वहाँ पे हमें प्लगइन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। और देखो हम वो प्लगइन को यहाँ से एक्सेस कर सकते। तो आ चुकी है प्लगइन और अब इस प्लगइन को उठाते हैं और देखो ऑडियो ट्रैक पर डालते हैं, मना कर रहा है, इसको नीचे डाल देते हैं, खुद ही एक नया ट्रैक बन जाएगा स्मार्ट बॉय एबल्टन। और एक बार ये सेम कॉर्ड्स को हम इसमें डाल के देखते हैं। तो अब हमने जो भी अब यहाँ पे चीजें डाली हैं वो यहाँ पे हमारी शो हो रही हैं। स्ट्रिंग्स डाली थी, स्ट्रिंग्स तो हम यहाँ से कोई भी, जैसे हम स्ट्रिंग्स में गए और हमें ईवल वाली अच्छी लग रही है, इसको लोड कर देते हैं। ये बहुत सही लग रही। तो अब सुन के देखते हैं अपनी बीट को। पियानो हटा देते हैं और पियानो कर देते हैं डिलीट। पियानो बढ़िया सा नहीं लग रहा। ये लोअर नोट्स में भी हटा के देखते हैं वाले। तो ये मैंने कैसे करा, मैंने अपने कीबोर्ड पे जीरो बटन हिट करा और ये बटन, ये नोट्स अभी के लिए क्लोज ऑफ हो चुके हैं और जीरो दबा के वापस से ऑन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस बीट को कंप्लीट किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें बेसिक और चीज़ें क्या डाल सकते हैं। जैसे अभी इस बीट में बेस नहीं है, 808 नहीं है, तो वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इसको लेंगे पूरे को सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी डी डी। तो आप अगर गलती से थोड़ा भी गलत सिलेक्ट कर लेते हो, अगर आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया तो देखो ये गलत हो जाएगा, आगे गलत टाइमिंग पे डल रहा है, ग्रिड्स को ही फॉलो नहीं कर रहा। तो या तो आप ग्रिड्स को लंबा बड़ा कर लो और देन उसको कॉपी पेस्ट कर लो तो इजी रहेगा, ताकि ग्रिड्स पे ही रहे और टाइम को फॉलो करे आपका म्यूजिक। तो हमने ये 16 बार का कर दिया इसको, बट अब क्या करते हैं इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए पहले इसमें लोकेटर्स डाल देते हैं। तो लोकेटर्स के लिए आप यहाँ इस खाली स्पेस में क्लिक करोगे जो बार और इस ब्लैक लाइन के बीच में स्पीकर बना था ना, वैसी राइट क्लिक कर लो और ऐड लोकेटर कर लो और इसको नाम देते हैं इंट्रो। और अब देखो ये गलत जगह पे है, तो इसको हम पीछे से इधर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो चार बार का हमने इंट्रो बना लिया और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं हुक या वर्स, हमने डाल दिया हुक। और फिर इसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से एकदम ग्रेट। और फिर हम कर देते हैं कि हमारे 1 2 3 4 चार बार के बाद 8 बार क्या आएगा हमारा वर्स। तो हम इस तरीके से वर्स, बट आप देखोगे अगेन मैंने वर्स में गलती कर दी है, तो इसको मैं इसे ग्रिड पे ले आऊंगा। और ये कोई रूल नहीं है कि 8 बार का ही हुक रखो, आप चाहो तो 4 का भी रख सकते हो, आप चाहो तो 16 का भी रख सकते हो, टोटली आपकी कॉल है। पर ये क्लीन तरीका है जिससे कि आप पूरे गाने में अच्छे से अपने मार्कर्स लगा सकते हो। जब भी आपको कोई बोले हुक सेक्शन में जाना है तो इस पर क्लिक करो और यहाँ से प्ले होगा, इस पर क्लिक करो वर्स से प्ले होगा। तो अब क्या करते हैं बीट को कम्प्लीट करने के लिए, स्टार्टिंग में हम जैसे किक हटा देते हैं, किक भी हट रहा हटा और अब सुनते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इस हाई हैट को भी स्लो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करा, ऐसे सिलेक्ट करा कंट्रोल डी 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 डी। देखो अगर आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमने जब सिलेक्शन करी तो ग्रिड पे करी, ग्रिड को पूरा से सिलेक्ट करा। तो हमने ऐसी अपना एक बेसिक लेआउट बना लिया, बट अभी लेवल्स जो है ना वो बहुत ऊपर नीचे है, मतलब सब कुछ बहुत लाउड साउंड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्नेयर को थोड़ा सा कम लाउड कर देते हैं किक के कंपैरिजन में, हाई हैट को और थोड़ा कम कर देते हैं और इसको सुन सुन के भी कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ इन सबसे करने से पहले हम अपने ग्रुप इनको सबको नेमिंग करते हैं, क्योंकि देखो कितना गंदा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो रीनेम करने के लिए इधर क्लिक करो, रीनेम किक, और आप चाहते हो कलर करना तो आप इधर से कलर भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ
असाइन ट्रैक टू क्लिप कलर्स, तो इससे क्या होगा जो क्लिप है इनको क्लिप्स बोलते हैं, इनका कलर भी ट्रैक के कलर जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे डालते हैं रीनेम स्नेयर, और अब स्नेयर का कलर भी हमने मान लो रेड कर दिया और क्लिप्स का अभी भी ब्लू है, तो इसको असाइन ट्रैक कलर्स टू क्लिप। और सेम चीज़ करेंगे हाई हैट के लिए, सेशन को अच्छे से पहले मैनेज कर लो, पर अब ना मजा सा नहीं आ रहा, तो इसमें एक 808 डालते हैं, एक बेस डालते हैं जिससे मजा आए। तो आप अपनी 808 लो और इस तरीके से ड्रैग कर दो, तो देखो खुद ही एक ट्रैक बन गया। और इसको नाम दे देते हैं 808, और इसको कलर कर देते हैं अपना ऐसे पर्पल या ब्लूइश कलर का, और ट्रैक असाइन क्लिप का भी कलर ऐसे ही कर देते हैं। पर अब क्या है 808 जनरली किक के साथ बहुत अच्छी आती है, तो हम अपने ट्रैक को उठाते हैं और किक के पास ले जाते हैं। और अब आपने क्या करना है, आप जहां जहां किक आ रही है वहां वहां पे अपनी 808 लगा लो। बट अभी एक कॉन्सेप्ट होता है वॉप का, तो आप इधर वॉप ऑफ कर दो, जिससे आप देखोगे 808 हमारी लंबी हो गई, फुल अपने लेंथ में आ गई। तो आप इससे वॉप को ऑफ कर दिया करो और ये आपको हेल्प करेगा। बट ये आपको हर साउंड में करने की जरूरत नहीं है, 808 में हम सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि 808 एक बेस साउंड होती है, तो जितनी अच्छी पूरी खुल के बजेगी उतना बढ़िया है। तो हम थोड़ा सा देखो पीछे यहाँ फेड जा रहा है, ऐसे हल्का सा फेड भी दे सकते हैं, और जहाँ जहाँ किक आ रही है वहाँ वहाँ पर इसको कॉपी कर दो, तो कॉपी और जहाँ जहाँ पे आ रही है पेस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करा पेस्ट, इसको पीछे से छोटा कर दिया, क्लिक करा पेस्ट। तो ये हमने अपने चार बार में इस तरीके से अपनी 808 लगा लिया, इसको सुन के देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ किक आ रही है वहाँ पर थोड़ा सा फेड भी दे देते हैं इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ग्रिड को कर रहा हूँ 1/8 और 1/8 जितना फेड दे रहा हूँ स्टार्टिंग में किक के, जबकि जब जब किक आ रही है तब तब 808 थोड़ी सी दब जाए। तो गाइस हमने 808 को हल्का सा फेड दे दिया, इसको हम इस टेक्निक को हम साइड चेन भी बोलते हैं, और इसको कंप्रेशन और भी अच्छे तरीके से करा जा सकता है, बट अभी ईजी रखने के लिए हमने फेड लगा दिए। तो अब सुन के देखते हैं, पर आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत 808 में हल्का सा पिच का डिफरेंस आए, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें फिर से क्लिक करो, जहाँ पे वॉप होता है उसी के साथ में ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या कर रहा है, आप इसकी पिच को अप या डाउन कर सकते हो सेमी टोन्स में। तो हम ये कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम देखो अभी शॉर्ट हो गई है, एक और किक लगा देते हैं यहाँ पे, देखते हैं, और इसको कर देते हैं नॉर्मल, और इसको कर देते हैं 12 सेमी टोन अप। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बन गया। तो अब हमारा हुक का पार्ट में हमने एक 808 लगा दी है, और अब की बार हम क्या करते हैं, थोड़ा हाई हैट में भी वेरिएशन डाल देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से इसमें एक एडिशनल ऐड कर देते हैं, तो ग्रूव आएगी इसे, और यहाँ पे और तेज कर सकते हैं कंट्रोल डी डी डी। तो यहाँ से हटा और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से छोड़ देते हैं इसको, और जैसे उत्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पे हटा भी सकते हैं, तो हमने यहाँ पे हटा दी। तो अब सुन के देखते हैं एक बारी, बट कई बिगनर क्या करते हैं कि इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि कोई इस पर रैप नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि जब भी बीट बनाओ, तो अगर आप रैपर भी नहीं हो तो भी कोशिश करो कि रैप कर पाओ उस पे, और आपको एक आइडिया लगेगा कि उस पे गाया भी जा सकता है या नहीं। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स भर मत दो बीट को। हाँ, और सिलेक्शन करने की एक ईजी ट्रिक है कि आप पहले क्लिप पे क्लिक करो और शिफ्ट बटन दबा के आखिरी क्लिप पे क्लिक करो। सिलेक्शन करने का एक और ईजी तरीका है कि आप क्लिप पे इधर क्लिक करो और सिलेक्ट करके, या फिर अपना शिफ्ट बटन दबा के लास्ट क्लिप पे क्लिक करो, या आप ऊपर भी कर सकते हो लास्ट क्लिप पे यहाँ पे, या फिर इधर, तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ऐसे सिलेक्ट करने के लिए हम पहली क्लिप पे क्लिक करेंगे और लास्ट क्लिक पे क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के, और कंट्रोल डी 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 इस तरीके से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। और सेम चीज़ अपने एलिमेंट्स के लिए, शिफ्ट दबाया, पहली क्लिप के लिए सिलेक्ट करी और आखिरी करी कंट्रोल डी।
तो गाइस हमारी एक बेसिक सी बीट बन गई यहाँ पे, और हम चाहें तो इसमें और एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे इसको और ऊपर भेज देता हूँ। और ये ट्रांसपोज या एसटी क्या होता है, अगर आपको इसमें से कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो हमारी वर्कशॉप देख लेना, आप लिटरली आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। ड्रिल में इस टाइप का बहुत होता है। और जैसे वर्स है, तो वर्स वाले पार्ट में हम चाहें तो अपनी हाई हैट को थोड़ा फिर से स्लो कर सकते हैं, और इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि हर फोर्थ बार पे आए इस बारी, पर इसमें भी थोड़ा ग्रूव देने के लिए हम इसको नॉर्मल ना रख के इधर जहाँ जहाँ स्नेयर आ रही है वहाँ पे एडिशनल हाई हैट ऐड कर देते हैं। अच्छी नहीं लग रही हमें ये, तो हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसको हम डिलीटिंग कर सकते हैं, उसे डिलीट करते हैं, अगेन शिफ्ट दबाया, सिलेक्शन करी, कंट्रोल डी। तो हम बात करते हैं सिग्नल फ्लो की, कि सिग्नल फ्लो काम किस तरह करता है एबल्टन के अंदर। और सिग्नल फ्लो का मतलब है, अब जैसे आपके सामने ऑडियो डली हुई है हाइट की, मैं इसको सोलो कर देता हूँ तो सिर्फ यही प्ले होगी। तो अब ये ऑडियो जो डली हुई है ये किस तरह हमारे हेडफोन्स तक आ रही है, और इसको कहाँ पे प्रोसेस करा जा सकता है, मतलब कहाँ डाले इफेक्ट्स अगर हमें इसको कुछ छेड़ना हो, तो उसके लिए सिग्नल फ्लो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई एक ऑडियो ट्रैक में कोई भी ऑडियो डाली, तो हमारी साउंड सबसे पहले यहाँ पर जाती है। तो इन डॉट्स को कनेक्ट कर दें, तो हमारी साउंड सबसे पहले जाती है यहाँ पर नीचे, और नीचे कहाँ पर जाएगी, पहले आपको इस ट्रैक पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो किसी और का खुल जाएगा नीचे का सेक्शन। आपको इस ट्रैक पर क्लिक करना पड़ेगा तो इसका ड्रॉप हेयर इफेक्ट सेक्शन खुलेगा, और यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे आप इसको एक बार प्ले करते हैं, और मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ गूंजे तो मैं इस पर रिवर्ब लगा देता हूँ। अब रिवर्ब मैंने सर्च करा, अब मैं कहाँ जाऊँ कि मेरे को रिवर्ब का प्लगइन मिले, तो आपको ऑडियो इफेक्ट है वो बेसिकली, तो आपको ऑडियो इफेक्ट के सेक्शन में रिवर्ब सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाऊँगा रिवर्ब के सेक्शन में, और ये रहा रिवर्ब, और मैं इसको उठा के या तो यहाँ डाल सकता हूँ या नीचे, अभी के लिए मैं इस पर डाल देता हूँ तो वो नीचे ही आ जाएगा। और आप इस नॉब से सेट कर सकते हो कि आपको इफेक्ट कितना अप्लाई करना है, 100% अप्लाई करना है या थोड़ा सा अप्लाई करना है, 20%। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा साउंड सबसे पहले उठ के यहाँ आ रही है और इस पर इफेक्ट लग रहा है। अब आगे इसके आप कोई भी और इफेक्ट लगा सकते हो, जैसे ये हो गया, कॉर्पस हो गया, वोकोडर हो गया। तो अब क्या हो रहा है, हमारी जो साउंड है सबसे पहले उस पर रिवर्ब लग रही है, फिर वो यहाँ से बाहर निकल रही है और वो इस प्लगइन में जा रही है, फिर उस पर इफेक्ट लग रहा है, फिर वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, और फिर वो वापस से इस इफेक्ट में जा रहा है, और ऐसे सीरीज़ में इफेक्ट लगते जाएंगे इस तरह, लेफ़्ट टू राइट की तरफ हमारा सिग्नल फ्लो करता रहेगा। तो अभी के सिनेरियो में यहाँ पे कोई भी प्लगइन आगे लगा नहीं हुआ, तो हमारी साउंड यहाँ से निकलेगी बाहर। इसको मैं थर्ड नंबर दे देता हूँ, और हम इसको जॉइन कर देते हैं 2 को 3 से, और इससे होते हुए जाएगी यहाँ पे आपके लेवल और पैनिंग और दूसरे जो और सेक्शन हैं उनके पास। तो अब लेवल पैनिंग बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेवल बेसिकली वॉल्यूम, यहाँ से देखो हम वॉल्यूम कंट्रोल कर रहे हैं, बट उस पर सब इफेक्ट लग चुके हैं, इसलिए सबसे पहले साउंड यहाँ गई 1 से 2, 2 से 3 और 3 से यहाँ 4 पे। ये रहा वॉल्यूम और ये रहा पैन। तो पैन बेसिकली आपका तवा नहीं है जिसपे आप ब्रेड सेक, ये कैसी नॉब है, इससे आप साउंड को लेफ्ट या राइट भेज सकते हो। देखो इसको लेफ्ट कर दें, तो अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ 4, और यहाँ से हमारी साउंड जाती है 4 से मास्टर पे, और मैं इसको कर देता हूँ 5। तो अब जब हमने वॉल्यूम कम कर ली या लेफ्ट या राइट भेज ली, तो उसके बाद हमारी साउंड जाएगी 5 मास्टर पे, और मास्टर से आपका हेडफोन कनेक्टेड रहता है और आप इजीली अपनी साउंड को सुन पाओगे। तो आप फिर से एक बार देखो पिक्चर को, 1 से जाती है हमारी 2, 2 से जाती है 3, 3 से 4, 4 से 5। तो अब मिडी में क्या डिफरेंस रहता है कि ऑडियो में 1 से लेके 5 तक, मतलब जब साउंड थी और जस्ट एंड में आई तब तक वो एक ऑडियो फाइल ही थी, एक ऑडियो। बट एक मिडी ट्रैक में क्या होता है कि 1 से लेके 2 तक, यहाँ तक वो कोई ऑडियो नहीं होती, एक MIDI इन्फॉर्मेशन होती है, मिडी इन्फॉर्मेशन। और जैसे अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे लैब्स प्लगइन लगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ अगर, और मैं इस स्ट्रिंग्स को सोलो कर देता हूँ। तो देखो यहाँ 2 के पीछे आपको दिख रहा होगा सिग्नल आ रहा है, पर कुछ प्ले नहीं हो रहा, और जैसे मैं लैब्स प्लगइन ऑन करूँगा तो एक साउंड आ रही है।
तो बेसिकली वन और टू में क्या हो रहा है, वन से जो MIDI MIDI इन्फॉर्मेशन थी वो लैब्स पे जा रही है, और वो लैब्स प्लगइन का काम है उस से इन्फॉर्मेशन को लेके एक साउंड जनरेट करना, जो भी आप नोट्स प्रोग्राम कर रहे हो वहाँ पे, और उस प्लगइन के बाद जो साउंड निकल रही है वो एक ऑडियो वाली साउंड है, और वो हमारे 3, 4 और 5 से होकर हमारे हेडफोन तक जा रही है, तो दोनों का लगभग सिग्नल फ्लो सेम ही है। और अब हम बात करते हैं कि रिटर्न ट्रैक्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, तो इसको मैं एक सेकंड क्लीन कर देता हूँ। और अब आपकी स्क्रीन के सामने फोटो भी आ रही होगी और उससे आपको समझ आएगा कि जो अभी तक उत्कर्ष ने आपको बताया कि ट्रैक जो होता है डायरेक्ट मास्टर तक जा रहे होते हैं किस तरीके से, उसी के बीच में एक और चीज़ होती है रिटर्न ट्रैक जो एक कॉपी बना के भेजता है, पर अब उसको थोड़ा और इन डेप्थ तरीके से समझते हैं। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि साउंड किस तरह यहाँ से मास्टर में जा रही है, तो आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया तो अनसब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वो दबा दीजिए। तो अब नॉर्मली सिग्नल फ्लो किस तरह कर रहा था, यहाँ से हमारी साउंड डायरेक्ट मास्टर पे जा रही थी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है तो एक बार पीछे जाओ उसको दोबारा देखो सेक्शन को। पर रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिटर्न का मतलब है यहाँ से जो साउंड हमारी मास्टर पे जा रही है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, वो एक खाली ट्रैक में भेजेंगे, और इस ट्रैक में कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे अभी रिवर्ब लगा हुआ है, आप चाहे तो रिवर्ब हटा भी सकते हो, आप चाहे तो रिवर्ब के साथ एको भी लगा सकते हो, सिर्फ एको भी लगा सकते हो, जैसे नीचे डिले लगी हुई है, और इस सिग्नल जो हमारा कॉपी सिग्नल निकला मैन्यूपुलेट हुआ, इससे जो बाहर निकलेगा वो हो जाएगा वापसी से मास्टर में। तो रिटर्न ट्रैक्स का बेसिकली यूज़ ये होता है कि आप बहुत ही स्पीड में किसी भी साउंड पे अपनी रिवर्ब डिले और जो बेसिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे रिवर्ब तो मोस्टली ट्रैक्स पे लगती है, जैसे हाई हैट हो, स्नेयर हो, स्ट्रिंग्स हो, वोकल्स हो, SFX हो, इन सब पे रिवर्ब लगभग लगती ही लगती है, मतलब मैंडेटरी नहीं होता पर मोस्टली लगाते ही हैं। तो उस वर्क फ्लो को तेज करने के लिए हम रिटर्न ट्रैक्स को यूज़ में लेते हैं। तो और अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैं करता हूँ, मैं हाई हैट की साउंड को सोलो करता हूँ और टैब दबाता हूँ, तो ये दोनों विंडो बहुत ज़्यादा सेम है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ से मैं वॉल्यूम कम करूँ तो यहाँ से भी वॉल्यूम कम हो जाती है, देखो ये हाई हैट की वॉल्यूम कम होगी, और यहाँ से मैं फुल कर देता हूँ तो इधर भी फुल हो जाती है, और इधर से लेफ्ट पैन करता हूँ तो यहाँ लेफ्ट आ जाता है, इधर से राइट करता हूँ तो उधर भी राइट आ जाता है, सेम चीज़ ही है। तो मैं टैब दबाता हूँ और इधर से देखते हैं हाई हैट पे, मैं अभी सारे प्लगइन्स हटा देता हूँ, ये मेरे को क्लीन एकदम हाई हैट चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट साउंड जा रही है हमारी मास्टर में, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्ले करके देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, एक बार सेंड नॉब को बढ़ा के देखते हैं, तो अब क्या हो रहा है, जो हमारे सिग्नल डायरेक्टली यहाँ से हम मास्टर में जा रहा था उसकी कॉपी निकल रही है और वो जा रही है इधर, और इधर लगी हुई है रिवर्ब, तो उस साउंड पे रिवर्ब लग रही है और फिर उससे रिवर्ब लगी हुई साउंड बाहर जाके मास्टर में जा रही है, तो ये रही हमारी ओरिजिनल साउंड और ये हमारी रिवर्ब से लगी हुई या भरपूर साउंड। तो इस तरह आप मल्टीपल साउंड्स पे ना रिवर्ब लगा सकते हो बहुत ही फास्ट वे में। देखो इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, इससे मैंने हाई हैट पे लगा दी, थोड़ा कम लगाते हैं, स्नेयर पे भी लगा सकते हैं थोड़ा कम, स्ट्रिंग्स पे भी ला सकते हैं। तो आप बेसिकली 1, 2, 3 ये तीनों ट्रैक की डुप्लीकेट कॉपी बन के जा रही है इस ट्रैक पे, उस पे लग रही है रिवर्ब और फिर से वो साउंड जा रही है मास्टर पे। तो एक बहुत ही इजी तरीका है किसी भी साउंड पे रिवर्ब लगाने के लिए, और इससे सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपका CPU बहुत सेव होता है। तो अगर 50 से 60 ट्रैक्स पे भी रिवर्ब लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा की जान निकल जाएगी, जान हाँ काफ़ी ज़्यादा CPU यूज़ हो रहा होगा, बट इससे आपका CPU भी सेव होता है, मिक्सिंग के लिए भी बहुत ईजी रहता है और टाइम भी बचता है। तो अभी आप देख सकते हो आपका लेवल जो है मास्टर का फट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी जा रही है तो थोड़ा लाउड जाता है, तो बस आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लेवल्स थोड़े ऊपर हो सकते हैं, तो शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट करेंगे एक साथ और सबको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और देखो उधर भी नीचे हो गए हैं सारे लेवल्स, देखो उधर के तीनों। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से पूरा एबल्टन का सिग्नल फ्लो है, किस तरीके से बीट बनेगी, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि हम इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इस बीट को कंप्लीट करने के लिए। और सैम्पल बैग के अंदर हम जाएंगे, देखते हैं हमारे पास क्या क्या साउंड है। तो ये साउंड सही लग रही है, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। और जितने बिगनर प्रोड्यूसर होते हैं गलती ये करते हैं कि बहुत लाउड रखते हैं लेवल्स को SFX के, बट जितने भी आपके इफेक्ट्स होते हैं वो ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं, तो इनको आप जितना कम रखोगे उतना बेटर है, बस वो आपके पीछे एज अ बैकग्राउंड एक एसेंस देने के लिए सही रहता है, जैसे एक बैकग्राउंड में फील आए, जबकि वो मेन नहीं होता, इसलिए कभी उसको ज्यादा आगे नहीं रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें और रिवर्ब हो सकता है, तो हम सेंड के अलावा भी इसके अंदर और रिवर्ब डाल सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है अब हम सेंड यूज करेंगे, हमें एक डिफरेंट टाइप की रिवर्ब यूज करनी थी, तो हमने खुद ही उस पर डाल दी।
फिर हम इसके बाद देखते हैं और इफेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास। तो हम इसको डाल देते हैं इस इफेक्ट को यहाँ पे, और इसके बाद एक शॉर्टकट देखते हैं कि जब आप कंट्रोल डी करते हो, ये तो आपको आ ही चुका है, आप आर बटन दबा के किसी भी क्लिप को रिवर्स कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका लेवल भी काफ़ी कम कर देते हैं, लेट्स से -30 के करीब, और इसको थोड़ा सा गेन को और कम कर देते हैं। और ये कैसे करा हमने कि इधर क्लिक करा, जहाँ पे ट्रांसपोज वाली नॉब होती है उसके नीचे गेन वॉल्यूम होती है, और सिर्फ इस क्लिप की गेन कम कर दी। और आपको क्लिक के जो ऊपर स्ट्रिप होती है इस पर क्लिक करना होगा, अगर आपको खोलना है जो भी उसका नाम है या जो स्ट्रिप है इसके ऊपर करना है। इसका जो हमने रिवर्ब था वो यहाँ से सिलेक्ट करके इधर भी पेस्ट कर देंगे। एक और ऐसे पेज ढूंढ लेते हैं। और इसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें, लाइक हमें यहाँ पे, तो हमारा जो गाना था वो सी शार्प माइनर स्केल के अंदर था, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ, अगर जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, यहाँ पे गिटार हैं। हम इस गिटार के लूप को ले लेते हैं और इसको डाल के देखते हैं। चॉप भी कर सकते हैं, इसको चॉप कर देते हैं। तो इसका हम इस वाले पार्ट को चॉप करके डुप्लीकेट कर देते हैं, और लास्ट वाले पार्ट में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इस वाले पार्ट में, एंड वाले पार्ट में कुछ और ट्राई कर लेते हैं। कार्तिक तो चॉप्स भी कर रहा है, वो ग्रिड में रखे कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 काफी सही लग रहा है। तो हमने जो ये लूप था उसको इस तरीके से एक मेलोडी अलग चॉप कर ली, इसमें थोड़ी रिवर्ब भी डाल सकते हैं, और अगर हमें और ज्यादा रिवर्ब चाहिए तो हम इसकी रिवर्ब यूज, इसको रिवर्ब यूज करके। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इस तरीके का हमने पूरा लूप लिया और उसको बाद में चॉप कर दिया, खाली भी रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये इफेक्ट था इसको एक ऑटोमेट कर सकते हैं कि जो हमने इसको यहाँ डिलीट करा वो थोड़ा लेवल में कम हो जाए या उसमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑडियो इफेक्ट में जाते हैं, और एक प्लगइन होता है ऑटो फिल्टर करके, तो वो आपको मिलेगा आपके EQs में, ऑटो फिल्टर। तो बेसिकली एक छोटा सा EQ है, और इसमें हम क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज रखते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी को काट देते हैं और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी बिगनर लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो DJs की एक फिल्टर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे हाइप बढ़ाने के लिए। और अब हम चाहते हैं कि जो नॉब है ना, ये वाली नॉब, ये ऑटोमेटिकली मूव हो, मतलब हमें हाथ से ना ऐसी घुमानी पड़े, एक हम कुछ ऐसी ड्रॉइंग बना दें जिसको फॉलो करें नॉब। बेसिकली आपको पहले सोलो करके सुनाते हैं कि अगर यही चीज़ को हम हाथ से करें, कोई DJ फिल्टर ओपन कर रहा है, कुछ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, करेंगे शो ऑटोमेशन। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम चाहते हैं पूरा खुल जाए, तो हम इसको पूरा टॉप पे कर देंगे, और इधर हम चाहते हैं स्टार्टिंग में धीरे से इंट्रोड्यूस हो, धीरे ओपन। तो हम ये नहीं चाहते बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज आए ना, हम चाहते थोड़ा हल्का से धीरे से आवाज से स्टार्ट हो। तो अभी लो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, फिर धीरे 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 हाई फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, और इस नॉब को हम खुद नहीं हिला रहे थे, अपने आप हिल रही थी, ऑटोमेटिकली हिल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑटोमेशंस। और अब इस वाले पार्ट पे हम चाहते हैं कि जब वर्स आएगा तो वर्स से पहले ही वो थोड़ा सा नीचे आ जाए इस तरीके से, देखो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, वो उस लाइन को फॉलो कर रही है। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसकी ऑटोमेशंस देखो आप यहाँ पे भी पेस्ट हो गई हैं, पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ना हो, यहाँ पे पूरा खुला रहे।
तो हम ये कर देंगे और अब इसको सुन के देखते हैं। देखो खुद ही जो स्ट्रिंग्स हैं वो काफी नीचे हो गई हैं और बोरिंग भी नहीं लग रहा गाना, तो तब कुछ था अब चला गया तो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। और अगेन हम ये वाला पार्ट जो है इधर यहाँ पे क्लिक करा और लास्ट क्लिक को लास्ट क्लिप पे हम शिफ्ट क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये पूरा रीजन सिलेक्ट हो गया कंट्रोल सी और यहाँ पे जाएंगे अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल वी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने कितना लंबा वर्ड चाहिए, अगर आपको 8 की जगह 16 चाहिए तो आप इसको और ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट अभी हमें इतना ही डिसेंट लग रहा है। तो अभी हमारा तो एक बार चेक कर लेते कि हमारी कहीं ऑटोमेशन खराब ना हुई हो, तो सब ठीक है। और बेसिकली ये जो हम इतनी फास्ट तरीके से कर रहे हैं ना, तो आपको भी डेली एबल्टन पे बैठना पड़ेगा। हाँ। इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखनी पड़ेगी कि ये लोग कर कैसे हैं, और तो ही जाके आपका इतना स्मूथ हाथ चलेगा। हम लोग काफी सालों से चला रहे हैं तो हमारा इस तरह हाथ चल रहा है, आप फर्स्ट डे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब से चलेगा हाथ एकदम वही धीरे धीरे आएगा, वो चीज एकदम से नहीं आती वो, पर डेली बैठोगे तो डेफिनेटली आएगा। तो अब ये हमारा डन हो चुका है और अब जल्दी से इसको एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी सिलेक्शन कर लेते हैं और दबाते हैं कंट्रोल एल, जिससे हमारा लूप हो गया। बट अब देखो यहाँ पे मैंने गलती करी है, तो इसको पीछे से इधर तक सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट से लेके एंड तक सिलेक्शन कर लिया। तो अब देखना, आप हमने पहले सारे आपके सेक्शंस, आपके सारे ट्रैक ओपन होने चाहिए, सब कुछ करेक्टली आपका सिलेक्टेड है कि नहीं आप ये चेक कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये पूरा रीजन जहाँ से आपने गाना बनाया वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक आप इसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल एल दबाओ, तो देखो आप ऊपर लूप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बता रहे हैं बेसिकली हम इससे ये देख रहे हैं कि हमें कितने बार की सिलेक्शन करनी है। और आपको यहाँ पे हल्का सा जो वाइट हाईलाइट हो रहा है इससे आपको सिलेक्शन भी दिख रही होगी। हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर दबाएंगे, तो ये आपका एक्सपोर्ट का शॉर्टकट है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, फाइल में जा सकते हो और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप वेव में करना चाहते हो तो आप ये ऑन कर सकते हो, आप चाहते हो सिर्फ MP3 में हो तो आप यह सेलेक्ट कर सकते हो। और इसको एक्सपोर्ट करते हैं एबल्टन मास्टर क्लास, और ये आपका हो गया है सेव। और इसके बाद और अभी हमने जो स्टार्टिंग से इसको आपको सेव करने के लिए क्या करना है, फाइल सेव करो आप यहाँ पे, और देखो एबल्टन मास्टर क्लास हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सेव एस पे जाओ और इसको प्रोजेक्ट को नाम दे दो, और इस तरीके की आपकी एक नई फाइल बन जाएगी यहाँ पे। तो अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं इसके अंदर और इसको एक बार चेक करते हैं। तो देखो जितनी आपने सिलेक्शन करी थी उतने बार की सिलेक्शन यहाँ पे हो चुकी है, और अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो वी होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी, और बढ़िया लगी तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। और 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फटाफट लाल बटन ठोक दो जल्दी से जाके। और अगर आप पढ़ना चाहते हो हमसे 1-on-1 या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी, जाके चेक करो basila.in। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।